बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक रिश्ता ऐसा होता है जो हम सबके सुख और दुख में हमेशा हमारे साथ होता है, वो होता है हमारे भाई बहन का। ये रिश्ते का जीता जाता एग्जाम्पल है हम दोनों भाई। हम दोनों भाई ने मिलके बिना किसी फूड बैकग्राउंड के, बिना किसी वीसी के, बिना किसी एंजल के, बिना किसी फंडिंग के, मात्र 17 महीने में एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, पूरे 150 फास्ट फूड आउटलेट शुरू किए हमारे जोरको ब्रांड के। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है आनंद नाहर। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है अमृत नाहर। हम लोग सूरत गुजरात से हैं। हम दोनों जोरको ब्रांड के को फाउंडर्स हैं। जोरको एक प्योर वेज फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है जिसमें एक छत के नीचे ही आपको 80 से ज्यादा वेराइटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, नाचोस, मोमोज, मिल्कशेक, पुरीटो और ना जाने क्या क्या। सामरी ने एकदम भूख लागी गई हो। लागी गई। अच्छा इंजेक्शन ये चीज इंजेक्टर है। हाँ, अरे वाह, क्या आविष्कार है भाई। और ये क्या है बगल में? हमारी सॉसेस है सर, जो हम खुद ही बनाते। ये मोहितो सॉलिड है। थैंक यू सर। डिलीशियस, बेस्ट सेलर। सॉस भी सॉलिड है। बर्गर यमी है। Thank जो पैटी अंदर की बहुत यम है। एंड आप प्रूव कर रहे हो कि वेजिटेरियन खाना यम होता है। 100% राइस बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। आपने बिजनेस शुरू कैसे किया? बेसिकली मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। तो मैं जो SMEs छोटी कंपनियां होती है वहां पे जाना, बिजनेस को एनालिसिस करना, ये चीज करता था मैं। मैंने इवन ओयो को भी, मैं चाहता था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं। मैंने ओयो में इन्वेस्टमेंट करूं? हाँ। ये कहां? कॉल सेंटर वाले तो समझे ही नहीं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। उनको लग रहा हो कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, और वो अपने हिसाब से सही भी है। फिर मैंने कॉल करता गया, फिर कोई रिवर्ट नहीं आया। फिर आपने वो $10 बिलियन पे पहुंच गए थे आप। फिर तो आपने कैसे सोचा कि ओयो बनेगा इतना बड़ा? मेरा नॉर्मली कैसा होता था कि मैं कोई भी सर्विस जो भी यूज करता था और मुझे अच्छी लगती थी ना, तो मैं उसको मेल करता हूँ या उसको वे करता हूँ। उसका मेल भी है, मैंने दिखाओ स्क्रीनशॉट और वो भी दिखाओ, दिखाओ मेल दिखाओ। हाँ। क्या 11 साल की बात है? ये 2019 की बात है। 2019 में कितने पैसे थे तुम्हारे पास? सर पैसे तो मतलब 5-1 करोड़ ही थे, बट 5-1 करोड़ थे। 5-1 करोड़ थे। कहाँ से आए 5 करोड़? सर हम लोग इन्वेस्टिंग करते थे, मतलब मैंने कॉलेज से शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट। हाँ मैंने ही शुरू किया था, मेरा एक फ्रेंड भी था, उसको उससे मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करवाए थे। कौन से साल में शुरू किया आपने? ये 2016 में ही सर शुरू किया था कॉलेज। यस। और बता दे कौन सी कंपनीज है, हम उस पे भी कर देंगे। सर जोरको। और जोरको नाम कहाँ से आया? हम डिस्कशन कर रहे थे घर पे फैमिली पे, तो मम्मी ने जैसे मारवाड़ी में बोलते कि जो भी हो जोरको ही काम हो। जोरको काम हो। तो जोरको को फिर थोड़ा अर्बन लगे, इसके लिए जेड कर दिया। चल मेरे को जल्दी से बता दे तेरा धंधा कितना है। इस साल हम 30 करोड़ के रन रेट पे चल रहे हैं। ये कस्टमर रेवेन्यू है या? नो नो सर, ये हमारा जो रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते हैं प्योर उसका बिजनेस है। पिछले महीने हमने सर 2 करोड़ 40 लाख का मतलब धंधा किया, उसमें से 2 करोड़ 20 लाख रुपए से फ्रेंचाइजी रॉ मटेरियल और फ्रेंचाइजी का बिजनेस है। माय गॉड। तेरे अभी खुद के रेस्टोरेंट कितने हैं और फ्रेंचाइजी कितने? सर सारे फ्रेंचाइजी। अच्छा, और फ्रेंचाइजी पैसे बनाता है? हाँ सर। कितने पैसे बना लेता है? सर 50% प्रॉफिटेबल है आज की डेट में। अच्छा। और 30% जो एट पार चल रहे हैं और 20% है जो लॉस। ठीक है, किसी फ्रेंचाइजी को बंद करना पड़े नहीं करना पड़े? सर हमारा जो मॉडल है उसमें ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। क्या मॉडल है? हमारा जो मॉडल है पहला तो शेफलेस मॉडल है, तो हमने कहा सारी SOPs ऐसी बना दो कि कोई भी बना सके, विदिन 48 आवर्स उसको सीख जाए। तो आप शिप करते हैं रोज उनको पैटी? हाँ, हम रोज नहीं करते सर, इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 1 साल से ज्यादा होती है। एक साल? फ्रोजन। रेस्टोरेंट में लोग फ्रेश खाना खाने आते हैं तो उनको ऐसा पुराना खाना, दुनिया की कोई भी बड़ी चेन आप उठा लो तो फ्रोजन फूड ही मिलता है। तुम दोनों जो एंटरप्रेन्योर्स हो ना, बहुत अलग टाइप की एक ब्रीड होती है जो डिसरप्ट करता है। जब वो डिसरप्शन आती है ना तो बहुत बारी चीजें समझ नहीं आती। तो मेरा इसमें एक ही व्यू होता है, या तो तुम फोड़ोगे या फटोगे, लेकिन तुम मेरे 10 लाख को 5 करोड़ बना दोगे, इसकी मेरी उम्मीद है। जी सर। और मैं आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। रितेश भाई आप इंटरेस्टेड हो? मैं इंटरेस्टेड। पर हम लोग साथ में मिलकर के आपको ऑफर देना चाहते हैं। हमारी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट डील है। हमें 10 लाख का 5 करोड़ बनाना है जो आपने कहा था, तो हम 10 लाख मैं डालूंगा, 10 लाख रितेश भाई डालेंगे,
ठीक है, बाकी हम डेट पे देंगे, ठीक है। तो हमारा ऑफर है 20 लाख इक्विटी फॉर 1% इन योर कंपनी, बाकी डेट एट 10% फॉर 3 years। नितेश भाई, अमन भाई, हम 1% और 20 करोड़ की वैल्यूएशन, वो थोड़ा सा उसको छोड़ देते हैं एक बार। हम 1% ऐसे ही ऑफर करते हैं, बट उसके सामने हमको आपके 50-50 घंटे, अगर आप देना चाहे 50 घंटे ऐसे नहीं चाहिए कि आपके पर्सनल चाहिए, जैसे आप अभी यहाँ पे आए, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट्स ऑल। अभी तुम्हारे को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारी एनर्जी अच्छी है, तुम्हें थोड़ी डायरेक्शन की जरूरत है। तेरी एनर्जी इधर उधर जो भटक रही है ना, उसको कलेक्ट करके एक जगह डालना है, और मैं बता रहा हूँ तू बना सकता है, तेरे में है वो, तेरे पास ऑप्शन सिंपल है। देखो हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं 1% के लिए, बाकी डेट है। अगर तेरे को पैसे नहीं चाहिए तो सारा डेट में ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तेरे को चूज करना और आंसर दे दे टाइम। डेट 100% ले लेंगे वो सही है, ठीक है, उसमें 100% ठीक है, 10% में कोई दिक्कत नहीं है। बट सर थोड़ा सा आवर्स का अपने को थोड़ा सा नहीं, कमिट नहीं कर रहा, दूंगा कमिट नहीं कर। इतना भरोसा आपको रखना पड़ेगा, अभी भरोसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अभी फिर उस साइड जा रहे हैं, जो तू इधर 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 गए ना, अभी इधर जा रहे हैं। देखिए लास्ट है यस या नो। सर 1.5 करोड़ रुपए आप डेट पे दे दो 10%, और इक्विटी नहीं दे रहा। इक्विटी देंगे ना, 1% इक्विटी दे रहे, उसके अगेंस्ट में एज ए मेंटरशिप इक्विटी हम आपको देने के लिए रेडी है। बट हम जब 1% का कमिटमेंट करते हैं, हमें पता है कि आप कमिटमेंट देंगे ना तो वो फुलफिल करेंगे, और नहीं कमिटमेंट देंगे ना तो सर कमिटमेंट बिना फिर मजा नहीं आता। बोल ले रहा अरे सर 25 डन, 25 पे करते हैं सर, ठीक है डन, चलो डील पक्की। मैं फाइनल बता रहा हूँ, रितेश ने आपको आवर्स कमिट करे 25, मैं आपको कमिट नहीं कर रहा, बट मैं आपको ट्रस्ट दे रहा हूँ कि मैं करूंगा। और डील ये है कि आप 1.5 करोड़ रुपए हम दोनों से ले रहे हैं डेट पे 10% के लिए, और 1% इक्विटी दे रहे हैं हम। एडवाइजरी, हम आपको 1% दे रहे हैं पर सर आप कर दो ना सर 25 आवर में, क्या नहीं, है नहीं, 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 आप डील पक्की बोलिए या फिर डील नहीं पक्की बोलिए, फिर हम खत्म। डील तो पक्की है, लेकिन अमन भाई आप ऐसे लेकिन नहीं चलता है। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग डिसीजन लेने में आपका एबिलिटी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बट मुझे लगता है कि शायद आप थोड़ा इनडिसाइसिव हैं। हाँ सुनो, मैं आऊँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा बंदा। सर अब 50 से 25 पे आएंगे तो भाई मुझे माफ कर, रितेश से कर लो यार डील 25 घंटे। रितेश भाई अपन करते 25 घंटे। मुझे लगता है आप इंडिसाइसिव है, उस कारण से मैं आउट। सॉरी भाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच, गुड लक, थैंक यू।